गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी मिडेवल इंडिया पढ़ना शुरू किए हैं और जिन्होंने हिस्ट्री अपनी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन ऑफ इंडिया वॉज लेड बाय, ठीक है, पहला मुसलमान कौन था जो इंडिया को आया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ द मोहम्मद गजनी? सुबुक तगीन। ठीक है, वेन डिड द गजनी सक्सीडेड हिज फादर? अपने पिताजी की राजगद्दी पर गजनी कब बैठा था? 1997 AD। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद फॉट बिटवीन गजनी एंड हुम एंड व्हेन? फर्स्ट बैटल यानी कि पहला बैटल ऑफ वाहिंद कब हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था? 1001 AD में अगेंस्ट जयपाला के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद फॉट बिटवीन गजनी एंड हुम एंड व्हेन? गजनी और किसके बीच अब कब हुआ था? 1008 AD में अगेंस्ट आनंदपाला। ये दो क्वेश्चन हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि पहले आनंदपाला के साथ युद्ध हुआ था या पहले जयपाला के साथ युद्ध हुआ था। एक छोटी सी ट्रिक है इसका, क्या है ना, मोहम्मद ऑफ गजनी का पहला एम क्या था? चोरी करना। ठीक है, चोर हमेशा किस दरवाजे से आता है? पीछे के दरवाजे से। तो हमेशा याद रखना हमारा अल्फाबेटिक अर्डर कहाँ से शुरू होता है? ए से शुरू होता है और जेड तक जाता है। बस यह सोचना कि मोहम्मद गजनी चोर था यानी कि वो पीछे से आएगा। अगर ये पीछे से आएगा तो पहले जे आएगा उसके बाद ए आएगा, यानी कि पहले जयपाला उसके बाद आनंदपाला के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, और पहला 1001 में और दूसरा 1008 में हुआ था। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन को। सोमनाथ टेम्पल इज इन व्हिच स्टेट? ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है और ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, हिस्ट्री के रिलेटेड भी क्वेश्चन है। एंड प्लंडर्ड बाय हुम एंड व्हेन, यानी कि कब लूटा गया था और किसने लूटा था। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल पहली बात कहाँ पर है ना, गुजरात में है। प्लंडर हुआ था, प्लंडर किसने किया था ना, मोहम्मद अफ गजनी ने। कब किया था? 1026 AD में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन को चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स गजनी लेड हिज एक्सपीडिशन इन इंडिया? एक्सपीडिशन का मतलब ये है लूट, कितनी बार उन्होंने लूट किया था। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स गजनी लेड हिज एक्सपीडिशन इन इंडिया? 17 times। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द पोएट्स रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ गजनी, कौन से कवि उनके दरबार में रहते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिरदौसी अलबरूनी। ठीक है, अगर वो कोर्ट पोएट है यानी कि उन्होंने कोई ना कोई किताब लिखा होगा, तो वो किताब देखते हैं क्या है। पहला है शाहनामा। शाहनामा वॉज रिटन बाय हुम? आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, शाहनामा वॉज रिटन बाय हुम? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। ताइके हिंद वॉज रिटन बाय हुम? अलबरूनी। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक दो बार आ चुके हैं और दूसरा चीज एक्सपेक्टेड है, आने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी रिवीजन को और भी तगड़ी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ शेयर इट और लाइक इट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं हर रोज़ आपको ठीक 7 बजे शाम को एक वीडियो देने वाला हूँ। वही 5-6 मिनट का वीडियो होगा, 10 क्वेश्चन होगा और सब स्टेप वाइज होगा। जैसे कि आज हमने पहले गजनी से शुरू किया, इसके बाद मोहम्मद घोरी करवाऊंगा, इसके बाद दिल्ली सल्तनत करवाऊंगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे मतलब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा चीज़ों को कैसे याद रखना है, तो
तो मैं तुमको एक आसान आसान तरीका बताते चलूंगा कि कैसे याद रखना है, और कितने बच्चों को ये नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन यहाँ से उठकर आते हैं, ठीक है। और मैं उस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में और जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको सारे बच्चों को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जो जो पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री को, जिन बच्चों को हिस्ट्री पसंद है उन लोगों तो शेयर करिए, और जिन लोगों को एग्ज़ाम देने वाले हैं, SSC हो, रेलवे हो, और स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री तो सब में आता है, स्टैटिक GK हो, कोई भी हो, तो इसलिए आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हर रोज़ शाम को 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।